अस्सलाम वालेकुम के आले ठीकों ना। ये जी मैं व्लॉग के बाद इंट्रो कर रहा हूँ। हम जी गए थे फजर की नमाज अदा करने के लिए और फिर हम सब का प्लान बना मस्जिद साफ करते हैं। सबने मस्जिद साफ की वो आगे आप व्लॉग चेक कर ले। मैं जी मस्जिद में आ गया, नमाज फजर की अदा कर आपसे मिलता हूँ। 5 minutes later. नमाज अदा कर जी हमने मस्जिद की सफाई करना स्टार्ट कर दी। सामान अभी हम सारा जी बाहर लेके आ रहे हैं, फिर साफ करेंगे। माशाल्लाह जी हम फुल सफाई कर रहे हैं और माशाल्लाह बाइड इतना अच्छा वेदर हुआ है और साथ रोशनी भी होगी है। ये जी जो आप चीज देख रहे हैं इन पर कुरान पाक रखकर पड़ा जाता है और ये इतने ज्यादा गंदे हुए हैं कि साइम अभी साफ कर रहा है इनको और फिर मैं जी वैक्यूम क्लीनर से जी मस्जिद की क्लीनर साफ कर रहा था। कैप्स वाला बॉक्स साफ कर दिया इन दोनों ने और भी कैप्स डालते हैं। इधर जी भाई रिजवान सफाई कर रहे हैं और इधर जी लड़के उजल खाने साफ कर रहे हैं। जिस पर जी कुरान पाक पढ़ा जाता है हमने उसको साफ कर जी उसकी जगह पर रख दी है। और साइम और दीक जी ये स्पीकर साफ कर रहे हैं और इधर जी दीक ने फैन साफ किया और फिर मैंने और साइम ने जी फैन उठाए मस्जिद के अंदर रख दिया, जिस जगह पर पड़े थे उधर रखे मैंने और दीक ने जी। फिर क्लीनर साफ की, साफ कर फिर हमने क्लोज कर जी रख दी और फिर हम सब ने जी मिलकर जी मस्जिद का फ्लोर साफ किया। मस्जिद की जी अंदर से सफाई हो गई है, बस बाहर से रह गई है। और फिर जी दनियाल भाई और जी तिया भाई जी कब्रों के ऊपर से घास काट कर रहे थे। जो मस्जिद के जी बाहर का हिस्सा फिर वो मैंने वॉश किया। अभी जी मस्जिद की फुल लुक चेक करें, हमने 2 आवर फुल्ली मस्जिद की सफाई की है। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज्यादा साफ हुई है मस्जिद की बाहर वाली वाल, ये हमने जी पानी के साथ साफ की है। ये जी मस्जिद का गेट है जहाँ से एंटर होते हैं, ये भी हमने इधर से वॉश किया और इधर जूते रखे जाते हैं ये भी वॉश किया जगह। हमने जी मस्जिद का फ्लोर साफ किया, देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना साफ निकले और कितना अच्छा लग रहा है। और ये जी मस्जिद के वुजूल खाने ये भी हमने साफ किए और इधर जी वुजू किया जाता है ये भी हमने जगह साफ की। और ये जी सारी मस्जिद बाहर से हमने वॉश और क्लीन की थी और अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ जो चीज हमने फुल्ली क्लीन की है। और ये माशाल्लाह जी आप क्लीनर देखे कितनी ज्यादा साफ हुई हैं। मस्जिद के जी अंदर जितने भी डोर हैं वो साफ किए हैं, फैन साफ किए हैं, स्पीकर साफ किए हैं, चेहरे साफ किए हैं जिस पर कुरान पाक रखकर पढ़ा जाता वो साफ किए हैं, मस्जिद का छत साफ किया, जिस बॉक्स में कैपे रखी जाती हैं वो साफ किए हैं। और ऐसे ही मस्जिद की हर एक चीज को हमने साफ किया है, पूरी मस्जिद को साफ किया है और फिर हमने जो सी चीजें उठाकर जी क्लीन की है फिर हमने उसी जगह पर वो चीजें रख दी। माशाल्लाह देखें जी हमने कितनी अच्छी क्लीनर साफ की है। और फिर हमने जी मस्जिद की सफाई कर हम सब ने छोटी सी महफल की, मैंने नात पढ़ी, साइम ने नात पढ़ी और इबाद ने नात पढ़ी। देखो, देखो, कौन आया मोहम्मद। मजा लेने तो भाई रिजवान के इस्लाम के शेर सुने। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। कदे उठदी सी कदे बैठदी सी और डिगदी बैठदी रहदी सी, ओनु को ना कोई बिठांदा सी, ओनु नाल ना कोई बिठांदा सी, ओ दी नंगदी कीवें दिहाड़ी सी, जिदी डाची सब तो माड़ी सी, ओ दी नंगदी कीवें दिहाड़ी सी, जिदी डाची सब तो माड़ी सी, उस डाची दी जेड़ी माई सी, ओदा नाम हलीमा दाई सी। सुभान अल्लाह। आहद विच मक्के आई सी, पिछू आके ओ पछताई सी, हर बूहा उस खड़काया सी, हर बूहा उस खड़काया सी,
फजर वक्त आए थे नमाज फजर की अदा करने के लिए और अभी नौ हो गए हैं। मस्जिद की सफाई भी कर दी है और नात वगैरह भी पड़ी है और अभी हम चले हैं घर। हम जी मस्जिद की सफाई कर कर आ गए थे, बहुत ज्यादा मजा आया था। लास्ट पर हमने एक छोटी सी महफिल भी की थी, उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आया। साईं बताओ जी मजा आया? बहुत मजा आया। और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए खुदा हाफिज।